हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिलाई कढ़ाई के कुछ ऐसे आसान से काम। अगर वो हम सीख लें तो हमारे बहुत सारी पैसे की और समय की बचत होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक सिल्क की साड़ी है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया है, आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये ऑनलाइन परचेज करके मेरे बेटा ने मुझे गिफ्ट करी थी। बहुत अच्छा ये लाइट वेट सिल्क है और दाम भी इसके काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो इस पर मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी फॉल कैसे लगाना है। जनरली फ्रेंड्स, हम जो महंगी साड़ी लेते हैं तो फॉल लगाने में हिचकिचाते हैं और टेलर्स को दे देते हैं, जो अक्सर कई बार कई तरीके की गड़बड़ कर देते हैं। आपने पहले फॉल को पूरा खोल लेना है, ब्लाउज मटेरियल कट कर लेना है। और अब देखें, ये जो लंबे लंबे कच्चे टांके हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सिंगल धागा डाल के आपने फॉल को साड़ी के ऊपर फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट काम जो है, जब प्रॉपरली पूरी फिक्स हो जाए फॉल, तो आपने छोटे छोटे स्टिचेस लगा करके साड़ी की जो फॉल है इसको बकायदा इस पर आराम से सिल लेना है। अगर आपको लगे कि कोई चुन्नट वगैरह आ रही है तो आप कच्चे टांके को कट करें और फिर उसको हाथ से पकड़ के या पिन लगा के उतने एरिया को आप ठीक से स्टिच करते रहें। तो जनरली क्या होता है कि ये महंगी साड़ियाँ होती हैं, हम टेलर्स को देके आते हैं। पहली बात तो वो हमारे चक्कर बहुत कटवाते हैं, दूसरी बात यह है कि वो लोग किसी और कारीगर से, लेडीज़ से गली मोहल्लों में लगवाते हैं, जो कि ठीक से लगाती नहीं है। काफ़ी टाइम पे धागा नहीं मैच हो रहा होता या टेढ़ी मेढ़ी फॉल लगी होती है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि साड़ी के ऊपर मशीन का जो तेल डालते हैं उसके भी ड्रॉप्स लगे मिलते हैं, जो कि बड़ी मुसीबत है, दोबारा से ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है, आप बिगिनर हैं, तो आप साड़ी को ज़मीन पर बिछा करके उस पर आप पिंस लगा लें। फॉल जब आप लगानी है, फॉल और साड़ी को पिंस लगाने के बाद आप पूरा कच्चा कर लें और बस फिर बाद में आपने रनिंग स्टिच से इस तरीके से फॉल को स्टिच कर देना है, जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम टाइम वेस्ट करते हैं टीवी पे और सोशल मीडिया पे और इतनी नेगेटिविटी बटोरते हैं और हमारी अपनी भी पर्सनैलिटी में खराबियाँ आती हैं, उन सब से बचने के लिए बहुत अच्छा काम है कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क्स, सिलाई कढ़ाई के, एम्ब्रॉयडरी के काम करते रहें। ये देखिए, मुझे ये फॉल लगाने में मात्र 1 घंटा लगा और मैंने टेलर को दी हुई थी तो उसने 1 महीना अपनी शॉप में रखे रखी, ब्लाउज भी स्टिच नहीं करा और बस जस्ट पीको करके दी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखें, जो हमने कच्चा करा था वो धागे जो हैं वो मैं सारे आपके सामने निकाल दे रही हूँ। ये जो कच्चा स्टिच है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो फॉल है एक अच्छी सिल्क की या सिंथेटिक साड़ी के ऊपर प्रॉपरली लगती है। जहाँ तक सवाल है नीचे के बॉर्डर पे हमने कैसे स्टिच करना है, वो आप देखें, मैंने बहुत बारीक बारीक टांके लगाए हैं, बहुत ही छोटे छोटे टांके लगाने हैं ताकि वो दिखाई ना दें। और इसमें मैंने मरून थ्रेड को इस्तेमाल किया लोअर मार्जिन से और इस तरह से क्लोजली मैंने ये सारे के सारे स्टिचेस लगा दिए। तो आप देखें, कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है अगर हम खुद से उसको करने की ठान लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टिचिंग प्रोजेक्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं एक कॉटन की कुर्ती सिल रही हूँ जिसमें कि मैं लाइनिंग भी लगा रही हूँ। और ये कुर्ती मेरे फ्रेंड ने मुझे मटेरियल गिफ्ट करा था, ये दुपट्टा ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था, उसी को मैं लाइनिंग में यूज़ कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे सिल रही हूँ। लेडीज़ कुर्ती सिलने के लिए मैंने ये वाले जो सामने आप देख रहे हैं ऑफ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडर्ड मटेरियल वाली कुर्ती, ये मैंने इसका ट्यूटोरियल अपने चैनल पे लगाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से, आपको स्टिचिंग नहीं भी आती तो भी आपको अपनी कुर्ती एंड सलवार सिलना ज़रूर आ जाएगा। मेरे चैनल पे कुछ सलवार के कटिंग एंड स्टिचिंग के, कुर्तीज़ के स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियोज़ हैं। इसके अलावा जो सिंपल स्टिचिंग के वीडियोज़ होते हैं, जैसे कि कुशन कवर्स, पिलो कवर्स और छोटे मोटे साड़ी के रीयूज़ के आइडियाज़, वो सारे आप जाकर के ज़रूर देखें। ये सामने जो आप देख रहे हैं ब्लॉक प्रिंट का कॉटन का सलवार कमीज़ दुपट्टा, ये सलवार भी मैंने सिली है। सलवार कैसे सिलते हैं इसका भी मैं वीडियो लिंक लगा दूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखें।
अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे पास एक ये कॉटन का दुपट्टा पड़ा था मस्टर्ड एंड मरून कलर का, जो कि छोटा था, तो मैं अपना पैसे और समय बचाने के लिए मैं इसी दुपट्टे को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर है मेरे घर से, सिटी जा से जाके मेरे को लाइनिंग मटेरियल लाना हो या दर्जी के पास जाना हो, तो घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे पास मरून लाइनिंग थी तो मैंने ये बाजू सिल ली। ये मैंने मार्च महीने में कट एंड स्टिच करके रखा था, फिर तुरपाई करने का टाइम नहीं मिला तो गर्मी की छुट्टियां जून में हुई तो मैंने तुरपाई करी, और फिर ये देखें कुर्ती मेरी बन के तैयार है। सलवार भी मैंने स्टिच कर ली थी। एक मैंने और कुर्ता सिला था, ये वाला देखें जामनी कलर का है, इस पर मैंने बॉर्डर्स भी स्टिच करे हैं, ये भी बाग प्रिंट है। और ये एक और मस्टर्ड एंड मरून कलर का कुर्ता है, ये अभी इनकम्प्लीटली ही स्टिच करा है। आप अगर वो सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब कुर्ते सिलने समझ आ जाएंगे। मैंने इस पर गोटा भी लगाया है और जो मटेरियल के साइड में बॉर्डर लगा था वो भी कट करके मैंने बाजू पर नीचे लगा लिए। गले के ऊपर मैंने एक गोल पट्टी काट के लगाई है, जिसको कि अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं तुरपाई कर लूँगी। तो नॉर्मली मेरे सिटी में जो टेलर्स हैं वो सलवार कमीज़ की, सिंपल सलवार कमीज़ की सिलाई के चार्जेस लेते हैं 500 रुपीज़, और 800-900 में ये हमें पूरा ड्रेस मटेरियल वैसे ही मिल जाता है। तो जब कभी भी मेरे को फुर्सत होती है तो मैं ये जो साइड के जो काम होते हैं, जैसे चाक की तुरपाई करना, गले की तुरपाई करना, ये मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ, साथ में म्यूज़िक सुनती रहती हूँ, उससे मन भी लगा रहता है और अपना फ्री में एक अपना ड्रेस भी तैयार हो जाता है। और रही बात ख़रीदने की, तो विंटर्स में जब ऑफ सीज़न डिस्काउंट लगता है तो मैं ये मृगनयनी एम्पोरियम करके हैं मध्य प्रदेश में, गारमेंट के एम्पोरियम्स हैं, वहाँ से ये मेरे को 900 के आसपास ये ड्रेस मटेरियल्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये कॉटन है, इको फ्रेंडली है, इसमें नेचुरल डाइज का इस्तेमाल होता है, स्किन पे कभी भी रैशेज नहीं होते, और कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 900 रुपये में ही मिल जाता है, तो अगर मैं इसको स्टिचिंग कराने देती हूँ, ज़रा सा टेलर को बोलें एक्स्ट्रा पट्टी लगा दो, तो हर काम के 50-50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाता जाता है। तो कोई आइडिया नहीं है कि आप 900 का सूट लें और 500-700 रुपये उसकी स्टिचिंग दे दें। और पहनना तो हमने ये सब घर में ही होता है, गर्मियों में जब किचन में काम करना है, आजकल तो क्योंकि गेस्ट भी आने लगे हैं तो थोड़ा घर में अच्छे कपड़े ही पहन के रहना पड़ता है। तो हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, 5-6 सूट सर्दी के अखीर में या सर्दी के दौरान ही ख़रीद लेती हूँ, एंड अपने सहूलियत के हिसाब से उनको स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखे ये 3 कुर्ते सिले। होप करती हूँ ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा होगा।